खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर सरपंच हटाओ पंचायत बनाओ का नारा लगाते हुए आज जिला कलेक्टर ऑफिस गरियाबंद के शहर कोपरा पंचायत के ग्रामीणों द्वारा पाया गया। ग्राम पंचायत कोपरा के सरपंच के प्रति लोगों में भारी आक्रोश साफ दिख रहा था। ग्राम कोपरा के सरपंच की कई प्रकार की अनियमितताओं को लेकर वहां की जनता में काफी नाराजगी है। इसी वजह से कोपरा के कई दर्जन लोग आज कलेक्टर ऑफिस अपने शिकायत को लेकर पहुँच गए थे। कोपरा ग्राम पंचायत गरियाबंद जिले की सबसे बड़े ग्राम में आते हैं। यहाँ पर करीबन 12,000 की जनसंख्या में लोग निवासरत हैं। आबादी अधिक होने के कारण जन समस्याओं को भी खूब अंबार है, चाहे मूलभूत समस्या हो या फिर कोई सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही न होना। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि वहां के सरपंच भ्रष्टाचार के खिलाफ में धारा 40 के तहत बर्खास्त हो चुकी हैं, फिर भी पंचायत से उन्हें हटाया नहीं गया है। उनके कारण गाँव का विकास नहीं हो रहा है। उन्हें जल्द से जल्द हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर से मांग करने पहुँचे हैं। आप मन की समस्या क्या है और कहाँ से आए हो? मैं कोपरा से आया हूँ। मैं दिलीप वर्मा हूँ। मैं ग्राम कोपरा का एक पूर्व में कृषि समिति का सचिव था और मैं ग्राम सभा मीटिंग में 4 तारीख को गया था। 4 तारीख को इस मुद्दे में बात उठा कि हमने प्रश्न रखा कि 80,000 रुपया बाजार की अंतिम किस्त राशि जमा हुआ है कि नहीं हुआ। सचिव से हम बात किए, आपके केसबुक में चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, न सरपंच दिया। एक उप सरपंच ने जवाब दिया कि 80,000 रुपया मेरे पास 5 माह से छोड़ा है और मैं उठा लिया हूँ। तब सचिव से पूछे और वह करारोपण अधिकारी से पूछताछ किया गया कि क्या ये उचित है, क्या किसी फंड को किसी में लगा देना और 80,000 रुपया राशि केसबुक में नहीं चढ़े तो हम ग्रामवासी कैसे मानेंगे। इसके साथ ही साथ 15,000 रुपया लकड़ी नीलाम की राशि, इसको भी पूछने पर बताया गया कि इसका कोई जवाब सरपंच या सचिव द्वारा नहीं मिला गया और ये लोग बंदर बांट करके 1,00,000 रुपया लकड़ी और बाजार की राशि को गमन किए। और एक आदमी पानी के लिए मांग किया हमारे ही वार्ड में, वार्ड नंबर 2 में घनाराम निषाद जी, तो उसको मैं बार बार बनाऊंगा क्या करके पंच और सरपंच योगेश्वरी साहू ने जवाब दिया, उसका कोई पहन नहीं निकला। इस कारण से ग्रामवासी पूरा त्रस्त है और सरपंच के बर्खास्ती के आदेश लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। हम लोग ग्राम कोपरा में सरपंच योगेश्वरी को हटाने के लिए। आप लोग किन मुद्दों को लेकर आए हो गरियाबंद कलेक्ट्रेट? अभी सरपंच के ऊपर 40 का धारा लगा है जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और सरपंच अपनी मनमानी से भी बाज नहीं आ रही है। इसी के का मतलब चलते हम लोग यहाँ कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए आए हैं और अपनी समस्या रखने आए हैं, जिसमें पूरा गांव से 100-200 मतलब ग्रामीण भी हम लोगों के साथ आए हैं और सब एकदम परेशान है। न अभी तक हमारे ग्राम पंचायत में नाली सफाई हुआ, न कहीं पर बोर्ड बिगड़ रहा है, तो उसको भी बनाने के लिए सरपंच बोलती है कि मैं कुछ नहीं जानती, जो करना है कर लो। अब यही सब समस्या है और आगे बरसात है और बरसात के चलते हमारे गांव में मतलब गंदगी फैलने का मतलब बहुत ज्यादा ये हो गया है, तो उसको साफ करवाने के लिए हम लोग खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरपंच उसमें सहमति ही नहीं दे रहे हैं। जब भी मीटिंग का मुद्दा निकलता है ना उसमें नाली सफाई रहता है, न पेयजल व्यवस्था रहता है, न बिजली का, लेकिन जब शिकायत करने आती है तो वही सब मुद्दा शिकायत में दर्शाती है। और अभी हाल में हम 3 पंचों के लिए शिकायत किए हैं कि मतलब ये पंच जो है मतलब ग्राम पंचायत के लिए रक्षक नहीं भक्षक है करके, लेकिन भक्षक कौन है? जनता देख रहा है और खुद मतलब उनके ऊपर जो दबाव बना है उसमें वो मतलब काम नहीं करती है और हमेशा मतलब ना गलत काम के लिए करती है दबाव। जो चीज गलत है उसके बिल के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती है कि बिल पास करो करके। आप मन कहाँ करो दाई कावर आए हो यहाँ? कोपरा खरन हमन हा काम मांगे ला हन यहाँ सरपंच कर जाथन ना हमन काम मांगे ला तो वो काम नहीं देव कथे और रोजगार कर या पूरा बंद हमारे गाँव में। हमन गरीब महिला हरन कुछ काम धाम नहीं चलत हमारे गाँव आज तक कुछ काम नहीं चले कुछ काम नहीं चले हमने कुछ नहीं कमा सकन सब घर बैठे सब जनता वहाँ की। तो यहाँ कौल दे आवेदन कलेक्टर ला? का नाम है आपके? नाम मोर परेमी साहब। मोर राशन कार्ड नहीं आये मैं कोपरा के यहाँ मोला ना अब का वेदन भरत मोर वेदन लाए पहुँचा दे नहीं करे थे मोर ना लेकर भूख प्यास मरत न मैं कमाए धमा नहीं सके मोर आगे गोर हाथ पूरा जल गई। कब से नहीं मिले राशन तुम मोर मिले की नहीं? 20 साल हो गए अभी तक हम मतलब नहीं मिले कार्ड नहीं बने हमारे यहाँ ग्राम पंचायत कोपरा में गौशाला है और उस गौशाला में लगभग 300 गाय था उसमें और हमारे ग्राम समिति कोपरा के द्वारा मुनादी कराकर जंगल छोड़ने के बहाने
गांव गौशाला के 300 गाय और प्लस अपने गांव के जितने भी घुमंतु गाय है उसको गौशाला में डालकर रातों रात उसको जंगल के रास्ते कत्ल खाने भेज दिया गया, जिसकी शिकायत हम लोग एसपी साहब से किए थे 4 महीने पहले, जिसे अभी तक इसका कुछ निराकरण नहीं निकला है। और हम यही चाहते हैं कि इसमें जो भी इस कृत्य किया है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कौन बेचा उसको मवेशी को? मवेशी को ग्राम समिति के कुछ लोगों द्वारा बेचा गया है, जिसमें गवाह भी है, जिसने वो गवाह भी दिया है। वो आपका नाम? प्रणय कुमार साहू कोपरा। आप मन कहाँ से और मांग का है आपको? कोपरा से यहाँ हो, जनवरी से मोर पेंशन नहीं मिला थी, पेंशन के मांग है, ओकरे बार ग्राम सभा मीटिंग में गए रहे। तो का कही ग्राम सभा मीटिंग में? ग्राम सभा मीटिंग में तो अवेश में आंख मतलब झगड़ा कर दी। मतलब जान कहाँ जाबे थे, नहीं हो सके अभी ऐसे। हेला बोली से सरपंच के पति पंचायत में दखल अंदाजी। गरियाबंद से चित्रांगी विप्रे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।